सर ये यकुम रमज़ान से आपने शुरू किया और कब तक रहेगा ये आपका? ये इंशाल्लाह मतलब जब तक रोज़े हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है यहाँ पर कि बड़ी दुआएं ली आपने माशाल्लाह से, और यहाँ जितने भी लोग थे ये फैमिलीज वाले लोग थे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के लोगों के साथ परेशानी है, रमज़ान के बाद भी कोई एक हफ्ते में या महीने में कोई सिलसिला ऐसा आप जारी रखे जो है? असल में मतलब जारी तो हो सकता है, लेकिन ये रमज़ान की उस पर किया हुआ है ना। नहीं, मैंने जो असल में बात यह है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो ऐड करना पड़ता है ना अपना अमाउंट, और ये मतलब बहुत बड़ी कॉस्ट आती है इसके अंदर, तो वो शायद हम भाई हम ये जानते हैं कि 280 वाला खाना आप जो है इतने आसानी के साथ, मैंने तकरीबन 15-20 मिनट तक सारा जायज़ा लिया मैंने जो है, तो माशाल्लाह जो लोगों से मैंने राय ली और वो जो उनकी जो थे वो दुआएं दे रहे थे आपको जो है, तो मेरा मशवरा आपको सिर्फ यही है बल्कि गिनती जाए कि जिस तरह की गुर्बत है और जिस तरह के लोग परेशानी में, कोई एक महीने में एक दिन ज़रूर निकालें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बरकत देगा उसके अंदर। कोशिश करते हैं, अच्छी एडवाइस है, कोशिश करेंगे कि जो है वो महीने में 4 दिन कर लें, 4 जुमे या 4 जुमेरात ऐसा कुछ सिस्टम कर लें, सोचते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी है, बस ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने आपसे ज़रूर बात करूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जो है। नहीं, मैं इस वक्त लतीफाबाद 2 नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सस्ता खाना जो 280 रुपए का है और वो यहाँ 80 रुपए का मिल रहा है, और आज भी निहारी और रोटी थी। यहाँ के जो ऑनर थे जो ये खाना वगैरह का सिलसिला करते हैं, इनसे मेरी बात हुई और मैंने इनसे ये गुजारिश की कि जिस तरह की आप दुआएं लिए रमज़ानुल मुबारक में, आम दिनों के अंदर भी जो है कोई महीने में एक दफ़ा चाहे ऐसा सिलसिला ज़रूर रखे, और उन्होंने इस बात की तायद की और कहा कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं। वाइस ऑफ हैदराबाद से मोहम्मद इमरान।